हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल मैन इम परफेक्ट इट्स मी योर फ्रेंड हंसराज इन्हें प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि आपके पास एसएचएम की एग्जांपल में बॉल एंड बाउल एग्जांपल एंड सिंपल पेंडुलम वाली एग्जांपल ओके okay? सो so हमने पहले उन्हें अच्छे से समझा कि क्या हो रहा है बेसिकली लॉजिक पूरा अंडरस्टैंड किया एंड देन एट लास्ट हमने उन सारे कॉन्सेप्ट से एक डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट करके बनाई ओके यू कैन मैच द डेफिनेशन विद द डेफिनेशन जो कि आपको इंटरनेट पे मिलेगी या बुक पे मिलेगी सो so, ये डेफिनेशन सिमिलर होगी सेम कॉन्सेप्ट होंगे लेकिन वर्डिंग अपनी होगी ओके सो इफ यू वॉन्ट टू वॉच दैट वीडियो यू शुड गो टू डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहाँ से यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोज़ सो so, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेन पॉइंट वन पॉइंट थ्री एंड रिमेंबर टेन पॉइंट वन पॉइंट फोर को भी हम प्रीवियस लेक्चर में सिंपल पेंडुलम की वीडियो के साथ कवर कर चुके हैं ओके okay? सो so, बात की जाए टेन पॉइंट वन पॉइंट थ्री की इट सेज के स्टेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ऑसोलेट विद एस एच एम कहता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ऑसिलेट करने के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं वो बताओ सो so बेसिकली वो कंडीशंस आपको पता हैं मुझे बस उन कंडीशंस के ऊपर ज़रा रोशनी डाल के आपको वो कंडीशंस लिखवानी है ओके सो ओपन ये कॉपीज़ टू मेक नोट्स एंड लेट मी ओपन माई कॉपी एंड गेट स्टार्ट सो टुडे वी आर गोइंग टू सी के क्या हैं फोर एस एच एम एक बोझे को सिम्प एक बॉडी को सिंपल हारमोनिक मोशन में आने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए सो so, उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम वाली जो एग्जांपल हमने डिस्कस की थी ओके okay, स्ट्रिंग उसमें बॉब कनेक्टेड है फाइन <coughs> अगर मैं इसे डिस्प्लेस करूं और इस पॉइंट पे लेके जाऊं, सो so, मैं बॉडी को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गया जहाँ पे वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे था और एट लास्ट आके रेस्ट पे रुक जाएगा दैट पोजीशन इज़ कॉल्ड मेन पोजीशन, और इसे हम कहेंगे एक्सट्रीम। यहाँ से मैं छोड़ूंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा बॉब आएगा ऐसे डाउनवर्ड ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स देन वो यहाँ पे नहीं रुकेगा और आगे चला जाएगा ड्यू टू इनर्शिया और एक्सट्रीम पोजिशन बी पे चला जाएगा ओके okay? सो so, ये इस तरह से चला गया फ़ाइन और यहाँ से वापस डाउन आएगा और वापस सीधा जाएगा और ये एसोलेट करता रहेगा सो so, हमने क्या देखा था कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड दी मेन पोजीशन होती है या कहा जाए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा होगी मेन पोजीशन की साइड सो कंडीशन वन ये है कि एन एस एच एम एक्सलेशन ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मेन पोजिशन इसी पॉइंट को आप जरा चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं कि एन एस एच एम रिजिस्टोरिंग डायरेक्शन ऑफ रिजिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टूअर्ड्स मेन यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन सो आप एक्सेलरेशन लिखो रिस्टोरिंग फोर्स लिखो बात से हमें यहाँ पे फाइन <coughs> ये हो गई आपकी पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन ये है कि हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन है ना एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन ये हमने रिलेशन देखा था सो so, इसी रिलेशन को हम कह देते हैं कंडीशन बना के बता देते हैं कि इन एस एच एम एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टूवर्ड मेन पोजिशन ओके okay, मेन लिखो सिर्फ या मेन पोजिशन लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता थर्ड कंडीशन अब इसमें आपने एक्सेलरेशन का बता दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इसमें मतलब है ना पूरा पॉइंट बता रहे हैं कि मेन पे है ना मिनिमम होगी या जीरो होगी और एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैक्सिमम होगी एक्सेलरेशन अब आपको बताना वेलोसिटी के बारे में ओके सो वेलोसिटी की बात की जाए वापस वही लिखो एन एस एच एम वेलोसिटी जो है उसमें वी शो कर रहा हूँ वेलासिटी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजिशंस ओके ए और बी पे वेलॉसिटी मिनिमम थी एंड एम पे वेलोसिटी मैक्मम थी एंड मैक्म एट मेन पोजिशन ओके मैक्मम ऐट मेन पोजिशन सो अपने थर्ड कंडीशन भी लिख ली ओके okay? दूसरी चीज़ बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ में कह रहा हूँ हँसना मत अगर कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन में है कोई सॉरी अगर कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन की स्पेसिफिक टाइप जिसे हम एस एच एम कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें है ओके सो इफ आइफर बॉडी इज़ एग्जीक्यूटिंग एस एच एम तो वो क्या करेगी वो है ना मीन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगी इस तरह से सो इट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन या एक करेक्टरस्टिक कह दो बेसिकली आपके जो एसएलओ ये कंडीशन नहीं पूछ रहा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछ रहा है एक संभव सो यही करेक्टरिस्टिक्स हैं यही आपको कंडीशन करके लिखने हैं फाइन सो अब कोई बॉडी अगर है ना ऑसिलेटरी मोशन में एस एच एम में है तो वो क्या करेगी ऑसिलेट करेगी अराउंड दीन पोजिशन सो वापस फोर्थ पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि एन एस एच एम बॉडी कहो या ऑब्जेक्ट कहो ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट मेन पोजिशन इस डॉग को आप कंफ्यूज मत करना हाँ, इसका मतलब है ना इग्नोर कर दो गाँव में ये चीज़ें होती रहती हैं सो so, अभी तक हमने क्या स्टडी किया कि आपके पास कंडीशंस फॉर एसएचएम क्या हैं ओके सो विद दिस आपका ये लेक्चर होता है एंड आई होप ये कंडीशंस आपको क्लियर हैं इन आर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट दी वर्ड प्रॉब्लम्स ओके सो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको एक न्यू वीडियो भेजूंगा बिकॉज यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँ सो वीडियो लेंदी हो जाएगी सो गेटिंग ओवर विद इट आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ले हैं जो कि मैंने आज के इस लेक्चर में समझाए इफ़ यू देन काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर कर दिया तो थैंक यू सो मच और नहीं किया तो जल्दी से कर दो और हाँ घंटी मत घंटी बजा, बजाना मत बोलना बजा दी थैंक यू सो मच बाय